हेलो गाइस, मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे हैं टेक रेडर चैनल। गाइज, अगर आप एक नए क्रिएटर हो यूट्यूब पे और आपने अपने चैनल को मोनेटाइज कर लिया है, बट आप जब मोनेटाइजेशन ऑन करते हो तो कुछ सेकंड के बाद वो डॉलर शो करने की जगह वहाँ पे शो होता है कि चेकिंग वीडियोस जो हैं वो उसके एड्स जो हैं वो पेंडिंग हो रखे हैं, यानी कि जो आपके एड्स हैं वो रन नहीं करने वाले। आखिर ऐसा क्या इशू है जिसकी वजह से जो आपके एड्स हैं वो नहीं रन होंगे, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। एंड इसको कैसे सही करते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, तो वीडियो पूरी एंड तक देखना। उससे पहले चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो को जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये जो इश्यू है ये पहले नहीं आ रहा था, बट अभी रिसेंटली जब से यूट्यूब का कुछ अपडेट्स आए हैं, जब भी आप यूट्यूब से मोनेटाइजेशन को ऑन करते हो तो वहाँ पे कुछ मिनट के लिए वहाँ पे चेकिंग का ऑप्शन आता है, एंड जब आप बैक करते हो तो वहाँ पे लिखा होता है एड स्पेंडिंग। इसका मेन रीजन ये है कि यूट्यूब का जो अपडेट आया है उसमें आपकी जो भी वीडियो होगी आप जैसे आप अपलोड करते हो तुरंत एंड तुरंत आपने पब्लिक पे लगा रखा है तो उस पे जो एड्स हैं वो रन नहीं होने वाले, क्योंकि यूट्यूब थोड़ी देर तक वो आपकी वीडियो को चेक करता है, एनालाइज करता है कि आपकी वीडियो के अंदर कोई कॉपीराइट क्लेम तो नहीं है या फिर वीडियो के अंदर कोई ऐसी वैसी चीज तो नहीं है। इसीलिए जो वहां पे एड्स हैं वो थोड़ी देर के लिए ऑफ हो रखते हैं। लगभग 30 से 45 मिनट का यूट्यूब का टाइम है कि उतने मिनट तक वो आपकी वीडियो को चेक करेगा, एनालाइज करेगा, एंड लगभग 1 घंटे बाद जो आपकी वीडियो है अगर वो एकदम सही है, उसके अंदर कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं है, तो 100% वर्क करने लगेगा, उस पे एड्स जो है वो रन होने लगेंगे एंड आपका ग्रीन कलर का डॉलर का साइन वापस से लग जाएगा। बट ऐसे में अगर उस पे कोई कॉपीराइट क्लेम आ जाता है या फिर कुछ कंटेंट ऐसा आ जाता है जो नहीं होना चाहिए, तो आपका जो मोनेटाइजेशन है वो ऑफ हो जाएगा एंड उस पे एड्स नहीं आएंगे, आपके डॉलर पे कट का निशान आ जाएगा। तो इसीलिए यूट्यूब ने ये अपडेट किया ताकि वो थोड़ी देर चेक कर सके कि आपकी जो वीडियो वो सेफ है या फिर नहीं। एंड एक मैं आपको इसके लिए ट्रिक बता देता हूं, अगर आप चाहते हो कि आपकी जो वीडियो है उस पे एड्स आए स्टार्टिंग से, जैसे आप वीडियो पोस्ट करते हो तुरंत एड्स आने लगे, तो आप अपने वीडियो जैसे पोस्ट करते हो 1 से 2 घंटे पहले उसको शेड्यूल कर दो। जैसे आपको चाहिए कि जो आपकी वीडियो वो 12 बजे अपलोड हो जानी चाहिए, तो आप 10 बजे उसको पहले से शेड्यूल पे लगा दो ताकि वो जो उसके अंदर चेकिंग चल रही होगी मोनेटाइजेशन की वो 1 घंटे के अंदर पूरी हो जाएगी। जब 12 बजे वो लाइव होगी पब्लिक के सामने तो उस पे एड्स जो है वो रन होंगे एंड आपका जो चैनल है वो मोनेटाइज है, तो उस पे अर्निंग भी हो पाएगी। सो ये अगर आप ट्रिक अपनाते हो तो आपकी जो अर्निंग है वो नहीं कटेगी, बिकॉज अगर आपने उसी टाइम पे मोनेटाइजेशन भी ऑन कर दिया एंड पब्लिक कर दी वीडियो, सो एड्स तो उसके अंदर रन होंगे नहीं, बिकॉज 1 घंटे का वो टाइम पीरियड है जिसमें वो यूट्यूब चेक करेगा। सो उसमें आपके जितने व्यूज आएंगे उसके आपको एड्स नहीं मिलेंगे, उसके पैसे नहीं मिलेंगे। सो आप जो मैंने आपको बताया कि आप शेड्यूल करके लगा सकते हो उससे आपको फायदा हो सकता है। सो सिंपल सा यही है कि यूट्यूब का अपडेट है जिसकी वजह से थोड़ा टाइम लगता है कि वीडियो जो है उसको एनालाइज करने में, एंड इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आपके पैसे जो है वो नहीं कटने वाले हैं। आप वीडियो को शेड्यूल करके थोड़ी देर से पहले से लगा सकते हो एंड बाद में जो आपका जब एड उस पर आने लग जाए तो आप पब्लिक कर सकते हो। सो ये चीज आपको फॉलो करनी है एंड आपका जो एड है वो रन करेगा 100% एंड आपकी जो वीडियो है उस पर जो वीडियो का एड जो पेंडिंग दिखा रहा है वो अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। एंड आई होप आपको वीडियो जो है वो हेल्पफुल लगी होगी, हेल्पफुल लगी हो तो जरूर से लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। फिलहाल आज के उस टाइम मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, कीप वॉचिंग टेक ग्रुप चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम।